Assalamualaikum friends, उम्मीद है अब सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद, आपकी खदमत में हाजिर। सो फ्रेंड्स, आज हमारा पहला व्लॉग होने जा रहा है। ते अर्शिद का पसीना खत्म। फ्रेंड्स, शायद ही आपने आज तक वैसे नाम सुने होंगे। त्रिपुत्री से हमें ट्रैक स्टार्ट करना है सड़क तक, सड़क से हमें आगे जाना है कादरखल तक। जो है सड़क में हम आज रात को जो है रुकेंगे, तो सड़क से आगे हमें कादरखल पहुंचना है। कादरखल हम शायद इंशाल्लाह कल 4-5 बजे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो में कहीं पे भी आपको लगा कि इम्प्रूव करने की जरूरत है, सो प्लीज कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि हमें कहां पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं जा सकते। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आपके सामने जो है अच्छे अच्छे शॉट्स लाए। मुझे लगता है मैं किंग की चेयर पे बैठा हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम आपका वेस्ट करते हुए करते अपना ट्रैक स्टार्ट त्रिपुत्री से। ये तो कश्मीर है इसका क्या कहना, ये तो कश्मीर है इसका क्या कहना, इसकी हर एक अदा का हर कोई दीवाना। सो फ्रेंड्स, आज हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं त्रिपुत्री से। त्रिपुत्री से हमने ट्रैक स्टार्ट किया तो हम अभी पहुंचे हैं हापतनाड़। मुझे लगा पहले लगभग 30 किलोमीटर तक होगा, मुझे लगता है हम 10-15 किलोमीटर आगे हैं। आगे इससे बोल रहे हैं आप देखो खुद ही, जो लास्ट वाला पहाड़ दिख रहा है जहाँ पे बर्फ है, वहाँ पे एक बोल रहे हैं वहाँ पे एक ज़ियारत शरीफ भी है, वहाँ पे हमें जाना है। वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। लगभग मेरे हिसाब से अभी होगा 45 किलोमीटर अभी और होगा। बाकी आप खुद ही देख सकते हो जाना कहाँ है और हम कहाँ पे हैं अभी, ये आप खुद ही देख सकते हो। कम से कम जो हमें अंदाज़ा था यहाँ पे हम पहुँचे गए लगभग 12-1 के करीब पहुँचते, लेकिन अभी हमें बहुत दूर जाना है, लगभग 7-8 घंटे और अभी लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचते। तो फ्रेंड्स, निकले हम यहाँ से। तो अच्छा भाई, अभी हम यहाँ से निकले, अभी आगे देखते हैं, बोल रहे हैं पता नहीं गार्डन में हम चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं और मज़ा आएगा इस वीडियो में। आगे आगे देखते हैं। रोहन भाई, आपको पता है पिछले 4 घंटे से मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैंने क्या कमाल किया। आप यहाँ से देखो कितना बड़ा पेड़ मैंने काटा है इससे। यह है गार्डर का मैदान, यहाँ पे हम चाय पियेंगे। यहाँ पे हम चाय का इंतज़ाम करते हैं, भूख बहुत लगी है, पहले खाते हैं कुछ। बोल भाई, सच्ची में अगर जन्नत कहीं है तो यही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा मंजर है, पानी यहाँ से रहता हुआ। तो यहाँ से हम चाय बना रहे हैं, अभी सुबह हम निकले हैं, सुबह से पहला पड़ाव हमारा यहीं पे है, अभी हम कुछ खाते हैं उसके बाद आगे का सफ़र देख सकते हैं। ये अर्शद भाई यहाँ पे है। अर्शद भाई क्या कर रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ से नज़ारा, देखो क्या नज़ारा है यहाँ से, और चाय का मज़ा यहाँ पे उठा रहा हूँ।
अलग ही मजा है यहाँ पे, बहुत सुकून आ रहा है। और मैं, मुझे लगता है मैं किंग की चेयर पे बैठा हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। अभी हम निकले यहाँ से, अभी हमारा दूसरा पड़ाव होगा जो जहाँ पे हम स्टे करेंगे थोड़ी देर, हाम खालन जिसको बोलते हैं, फिर वहाँ पे पहुँच के देखते हैं आगे का मंजर क्या होगा। कभी नहीं सोचा था इतना ज़्यादा थक जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह से कंटिन्यू चल रहा है, बस एक जगह पे हमने ब्रेक ली है, बस टी के टाइम गार्डर पे। तो अभी हम जा रहे हैं, बस 5 घंटे का सफ़र अभी है सड़क तक, सड़क तक आगे इंशाल्लाह हम शायद कल निकलेंगे, कातिरखल हमें पहुँचना है। अभी देखते हैं आगे, आपको थोड़े से सीनिक शॉट्स भी दिखाते चलेंगे। देख सकते हैं अर्शिद का पसीना खत्म, आज खेल खत्म है। अभी हम लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट बैठते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद, क्योंकि ऐसे चलना नामुमकिन है यहाँ पे। आप मेरी हालत से आपको खुद पता चलेगा, मोटा जरूर लेकिन बहुत चलाऊंगा आज। अभी ये बैठे हैं सारे बंदे, ये अर्शद पसीना साफ कर रहे हैं। ये देखो पसीना नहीं ये खून है जो आज दिन भर निकला है। 7:30 हम घर से निकले, आप टाइम खुद ही देख सकते हो, 1:30 बजे है, लगभग शाम के 7-8 बजे हम पहुंचने वाले वहां पे। अभी हमने यहाँ पे दूसरा रेस्ट किया है, 5 मिनट का ब्रेक लिया था यहाँ पे। अभी देखते हैं इससे अब आगे बढ़ते हैं हम, और देखते हैं रेस्ट कहाँ पे करेंगे। वो बोलते हैं कंडी हल, शायद कंड खलन में रुकना है, तो वहाँ पे देखते हैं। अभी हमने फिर से 5 मिनट ब्रेक ली यहाँ पे, जहाँ पे हमने सोचा था ब्रेक लेंगे वहाँ पे हमने नहीं ली। ये आप देख सकते हैं अर्शद के लिए जो है स्टिक तैयार की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा थक गया। ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो सारा लोड था वो मैंने सारा उतार दिया। ये यहाँ पे मेरा मामू है, वो सारा लोड इन्हीं के कंधों पे, अब लगभग 38 kg के आर पार इनके पास वजन होगा। यहाँ पे 1 kg लाना भी बहुत भारी है, उसके पास लगभग होगा, मेरे मामू के पास लगभग 38 kg का। आप खुद ही सोचो इतने किलोमीटर ये उठा के निकालना नामुमकिन है।
मामू ने बोला यह बहुत अच्छी जगह है, इसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने बोला कम है, चलो आप देखते हैं। लेकिन यहाँ के यहाँ आके पता हमें चलता है कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। आप ये सोच नहीं सकते हम कितना ज़्यादा थक गए। अभी ये पहाड़ी जो है हमें क्रॉस करनी है, इसके बाद दूसरी पहाड़ी आएगी वो क्रॉस करनी है। पता नहीं हम आज पहुंच पाएंगे सड़क या नहीं। कैसा लगा? ओ, बहुत थक गए यार, बहुत थक गए। ये है पीछे अर्शद। मैं 10,000 दूंगा मलकली मौत को, मैं उठाओ। इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे चलेंगे हम। अभी 4:30 हो गए, तो ये जंगल क्रॉस करके हमें दूसरा जंगल जो है पकड़ना है। आपको पीछे दिखाई देगा दूसरा जंगल है, ये जंगल क्रॉस करके हमारा पड़ाव आएगा, वहाँ पे हम रात को रुकेंगे इंशाल्लाह। सुबह 7:30 से हमने स्टार्ट किया है चलना, अभी 4:30 हुए हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कितना चले हैं हम। क्या पसंद हेकवा का काले सफर पूरा करे? अच्छी तरह दिमाग वोट ये भी हम कैसे बना इसको हो, क्या करो इसको रेस्ट इस खा गए हो इस ये खाता मुझे ही रहा है। अब बताओ कहां जाए? हम चले ही नहीं कुछ, अभी जो लास्ट वाला पड़ाव है ऐसे चढ़ना है। सदी फिर भी सही खासो एक वटे। हमें इसे ऊपर भी चलना है। अभी पहाड़ है जो आपको सुबह दिखाया था, जो सुबह दिखाया था यहीं से सीधे चलना। देख सकते हैं अभी हम रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी जो बॉडी है पसीना पसीना हो गई सब की। और यहाँ पे 2-3 बंदों को जो है सिर में भी दर्द है, मेडिसिन लेके भी फ़र्क नहीं है। पहली बार ये एक्सपीरियंस है, हिडन कश्मीर नाम इसीलिए रखा है ताकि आपके सामने जो वीडियोस लाए वो सबसे अलग हो। थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश हमने आज करी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह 7:30 से अभी तक, अभी टाइम हो चुका है 7, सुबह 7:30 से अभी 7 बजे हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं हमारी हालत क्या होगी। अभी पता नहीं है, अभी सड़क में रुकना है हमें, तो सड़क से आगे कल फिर निकलेंगे हम इंशाल्लाह। شاٹس مجھ اکوٹے پکزو کہیں نیرزو نا بروٹ پکو اکوٹے آرام سان کہیں پور نی انشاء اللہ۔ ابھی تک تو ہمیں پتا تھا کہ شاید ہم پہنچ گئے ہیں، آگے کوئی چڑھائی نہیں ہوگی، लेकिन आगे जब हम पहुंचे तो फिर से हमें चढ़ाई दिखाई दी। अभी पता नहीं इसके बाद फिर से चढ़ाई होगी या पहुंचे होंगे अपनी मंजिल पर। अभी हम टॉप पे पहुंच गए, आखिरकार हम जो हमने पहाड़ी दिखाई थी आपको पहले स्टार्ट में उसके टॉप में हम पहुंच गए। यहाँ पे इन्होंने इनवाइट किया, इन्होंने बहुत ज़ोर किया, बोला कि चाय पी लीजिए यहाँ पे, तो हम रुके। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, बस चाय का एक कप पी लिया था सुबह, तब से अभी तक हम चल रहे हैं। अभी तो हमें 5-10 मिनट पहले हमें रास्ता भटक गया था, तो इन्होंने अभी रास्ता दिखाया कहाँ से हमें जाना है। बस एक शायद हम 8:30 तक अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और रोटी भी कश्मीरी घी से बनी हुई है।
आगे ये चढ़ाई जो आपको दिख रही है ये क्रॉस करनी है, उसके बाद आपको सड़क दिखाई देगा। थोड़ा सा अभी और बर्दाश्त करना है। अभी टाइम हो चुका है 8:15, अभी भी हम नहीं पहुंचे। बस अभी लाइट तो कम हो गई, अभी दूसरा फोन चल रहा है, एक फोन तो अभी स्विच ऑफ हो गया, अभी दूसरे फोन से भी अभी शूट कर रहे हैं। वो हमारी चोटी, उस चोटी पे जाना है, हम आस्तान शरीफ है, सड़क इसी ज़ियारत शरीफ पे हमें जाना है। अभी मजाक के बगैर हम कह रहे हैं कि सब फ्रेंड्स को जो है चक्कर आने लगे, सीरियसली गांव वाले से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से नामुमकिन है यहाँ पे आना। यहाँ से अब कुछ नहीं दिख रहा है। अभी हम फाइनली पहुंच गए, ये है आस्तान ज़ियारत शरीफ सड़क। बहुत अंधेरा हो गया, अभी हम पहुंच गए, अभी बस हम देख रहे हैं कि टेंट कहाँ पे लगा है। रात के टाइम जो है लकड़ी जमा कर रहा है इशफाक अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, जो बहुत लेट हुआ था, लगभग 8:45 हम यहाँ पहुँचे थे। अभी टाइम हो चुका है 9:15, अभी 9:15 हो चुका है। तो ये वीडियो जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है। इंशाल्लाह इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी हम बनाएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे।